गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू क्लास 8, चैप्टर 5, ज्योग्राफी, दैट इज हिस्ट्री, एंड दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर एंड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो ये जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम बेसिकली आईटी सेक्टर्स भी कहते हैं, आईटी सेक्टर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसको स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आज हम जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर कोई शॉर्ट मैसेज सिस्टम हो, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, जो भी सारी चीजें आती हैं वो आईटी सेक्टर्स की ही देन है। और आईटी सेक्टर्स जो है वो इंडिया में फेमस है, दैट इज बैंगलोर। सो बैंगलोर में ही आईटी सेक्टर जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है, मीन्स कह सकते हैं द हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज बैंगलोर। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर और द करंट जनरेशन, क्योंकि करंट जनरेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा यूजेस है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अस कन्वीनियंस। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, या फिर जो भी अभी हम वीडियो के माध्यम से जो टीचिंग चल रही है, ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से ही है। सो Let's back to your book, information technology. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour working day. Some software companies in the United States of America and Bangalore, India have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift work across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smita in Bangalore are working on a joint project. While Smita in Bangalore sleeps, Danny in California is working. At the end of his working day, he sends a message to Smita upgrading his progress. When she arrives at work in Bangalore a couple of hours later, she noticed that a message awaits her. She gets to work on the project straight away, but by the end of her working days, she relays the result of his effort back to California. By the way they communicate and work together, it is as if they were sitting at joining offices. So, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किसके बारे में, डैनी एंड स्मिता के बारे में, जो कि डैनी कहाँ पे रहते हैं, यूएसए, जिसको सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है रहते हैं, और स्मिता बैंगलोर में। सो कहने का मतलब है ये दोनों पीपल जो है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो जॉइंट प्रोजेक्ट में काम करने का मतलब है कि ये दोनों दो अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए वो जुड़े हुए हैं और एक प्रोजेक्ट पे दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों के जो भी वर्किंग आवर्स हैं या फिर जो डे शेड्यूल है वो बहुत ही अलग है। उनके देश में अगर रात हो रही है तो इंडिया में डे होगा, और इंडिया में अगर नाइट हो रहा है तो वहां पे डे होगा। तो कहने का मतलब है इनका जो वर्किंग आवर्स है वो अलग अलग है, और दोनों जो है वो वीक्स में काम करते हैं और अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उसको अपलोड करते हैं या फिर जो भी डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों दो देशों में रहते हैं, लेकिन इतनी दूर से भी वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। सो द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज information technology? So the definition of the information technology will be the information information technology industry deals in the storage
प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distribution of information. So what is information technology? Information technology industries deals in the storage, processing and distribution of information. So today this industry has become global. So अभी ये जो information technology या फिर जो IT sectors हैं वो global platform पे काम करते हैं. This is due to series of technologies, technological, political and socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure. So कहने का मतलब है ये जो industrial IT sectors हैं ये उन्हीं places पे पाए जाते हैं जहां पे industries के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो अवेलेबल हो, साथ ही साथ जो कॉस्ट है मींस कॉस्ट ऑफ मशीनरीज या फिर जो भी चीजें हैं ये अच्छा हो, और साथ ही साथ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो. द मेजर हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री आर सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर इन इंडिया. सो पूरे वर्ल्ड में अगर हम आईटी सेक्टर्स कहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो कहें तो पहला होगा सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में और दूसरा बेंगलोर इन इंडिया. So Bangalore is located on the Deccan Plateau from where it gets the name Silicon Plateau. So Bangalore city जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो Deccan Plateau में है, जिसके कारण इसको Silicon Plateau भी हम कहते हैं. This city is known for its mild climate throughout the year. अब ये जो area है यहाँ पे mild climate मिलता है, means यहाँ पे जो climate है वो बहुत ही ज्यादा pleasant है, means बहुत ज्यादा temperature, बहुत ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है क्योंकि ये क्लोज टू सी है. तो यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होने के कारण ये जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसी के साथ साथ सिलिकॉन वैली इज ए पार्ट ऑफ सांता क्लारा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, रॉकी माउंटेन रेंज. यहाँ पे एक सांता क्लारा वैली है जिसके कारण यहाँ पे इसको सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया नाम पड़ा. इसके बाद देखिए द एरिया हैज टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर्स रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 degree centigrade. अब यहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर पाया जाता है, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाना और बहुत ज्यादा लो हो जाना ये नहीं है. कहने का मतलब है टेम्परेचर यहाँ पे कुछ फिक्स्ड अमाउंट में ही पाए जाते हैं. के साथ साथ द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ द सिलिकॉन प्लेटू बैंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट पेज. यू मे नोटिस द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू सिटीज. सो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ही अलग है, और टेम्परेट क्लाइमेट है, माइल्ड क्लाइमेट है. उसके साथ साथ देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया सच एज मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई. अदर सिटीज सच एज गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली ये जो आईटी इंडस्ट्रीज है वो डील करते हैं किसके साथ, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर हार्डवेयर यूज करते हैं, ये सारे के सारे कौन बनाते हैं, आईटी सेक्टर्स बनाते हैं. जैसे कि हमारा फोन जो है, ये फोन, मेमोरी कार्ड या फिर जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं ये कौन बनाती है, आईटी सेक्टर्स बनाती है. और ये आईटी सेक्टर्स के कारण ही हम ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज, इंटरनेट, जो भी सारी चीजें हैं वो हम किनके हेल्प से करते हैं, आईटी सेक्टर्स के. सो कैलिफोर्निया के बाद फिर अगर बैंगलोर के बाद अगर हम कहें तो इंडिया में भी बहुत सारे न्यू हब्स बन गए हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़. ये सारे अब जो है वो हब्स बन रहे हैं धीरे धीरे आईटी सेक्टर्स के. सो हाउएवर बैंगलोर हैज ऑलवेज हैड ए यूनिक एडवांटेज एज ए सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट. अब देखिए
अगर कहने का मतलब है कि बैंगलोर को ही हम हब कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो भी एडवांटेजेस है, कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है किस चीज को लेकर के, आईटी सेक्टर्स को, मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। तो यहाँ पे बहुत जितने भी बच्चे पाए जाते हैं, तो ये जो भी बच्चे हैं वो मैक्सिमम किसमें इन्वॉल्व है, दे आर स्टडिंग द आईटी सेक्टर्स या फिर आईटी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। तो यहाँ के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा टेक्निकली डेवलप है बाकी स्टेट्स के सिटीज के कंपेरिजन में, इसलिए बेंगलोर जो है हम हब कहते हैं किस चीज में, आईटी सेक्टर्स में। सो क्लास आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट इज आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर जो है हमें किस तरह से हेल्प करती है। तो आईटी सेक्टर जो है वो एक्चुअली एक कंपनी होती है जो कि क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हार्डवेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे कामों को आसानी से कर सके। सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और द आईटी सेक्टर्स। सो क्लास दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक एंड योर चैप्टर एंड्स हियर एंड ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट एंड राइट डाउन देयर होमवर्क इन देयर नोटबुक। थैंक यू।